अभी रुकिए मैम, मैम अच्छा नहीं मिला जानवी जी, मैम अच्छा नहीं मिला जानवी जी, अच्छा नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। हाँ वो तो पकोड़े बांट रही है जो जानवी जी, अच्छा नहीं मिला, अच्छा दो ना। हाँ जी, वंस अगेन एक और वीडियो 14-15 दिन के बाद। वो क्या है ना, यूट्यूब ने एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया था स्ट्राइक मार के, जिसके गम के कारण मैं कुछ दिन तक कुछ भी नहीं डाल सकता था। बट फिलहाल वो गम खत्म हो चुका है। इसी खुशी में मैं लाया हूँ एक स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में है नोरा, जानवी, मलाइका उर्फी, सब मिलेंगे। बोलो क्या मांगता तुमको, क्योंकि आज अपन घुसने वाले पेपराजी की दुनिया में। वही बॉलीवुड रिपोर्टर, मैम थोड़ा आगे, मैम थोड़ा ऊपर, मैम थोड़ा पीछे, मैम थोड़ा साइड, मैम यहाँ पे सामने, थोड़ा पीछे ना, ये वीडियो जानवी जी, मैम, अरे फेस ही नहीं आया, फेस नहीं दिखा तुमको, फेस की जरूरत ही कहाँ है तुमको, जरूरत है बस टाइटल में नाम की और वीडियो में सब। जानवी कपूर ने पब्लिक को दिखाया सब। OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो आइए हम सब एक साथ देखते कि जानवी कपूर ने पब्लिक को क्या क्या दिखाया। हालांकि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को उनका लुक पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया यूजर्स जानवी की इन तस्वीरों को देखकर दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। जानवी तो दोधारी तलवार है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर दो तरफ बट गए। और सोशल मीडिया यूजर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पिछवाड़े में आग तुम ही तो लगाते हो। सेलिब्रिटीज की न्यूज को तुम न्यूजीलैंड बना के दिखाते हो और उनकी चीख को भी भूकंप बताते हो, फिर तो ये होगा ही। क्या बात है सर, ये बात है। कपूर के इस लुक की कुछ फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जानवी की लोगों ने जमकर खिंचाई की। हाँ, लोगों ने जानवी की बहुत खिंचाई की, इतना खिंचाई की कि जानवी खिंचा के पूरी फैल गई। जस्ट लाइक इनके थंबनेल के फोटो फैले हुए, थंबनेल में दिखा रहे संतरा, वीडियो में है नींबू। नारियल पानी पीने आई तेजस्वी ही नारियल पानी पीने आई ना, इसमें कौन सी बड़ी न्यूज वाली बात है। नागिन सीरियल में से निकल के असली नागिन तो नारियल पानी पीने नहीं आई, और असली नागिन आ जाती तो बेटा तुम्हारी वीडियो नहीं आ पाती। बताओ कैसा लगा आपको नई कार में, आपके एयरपोर्ट पे आए आप, कैसा लगा? तेरे को ये सवाल पूछने से पहले कैसा लगा, वो अपनी नई कार में बैठ के आई है, उसको अच्छा ही लगा होगा। अब सल्लू भाई के कंधे में तो बैठ के आई नहीं है जो उसको एक्सट्रीम लगेगा, और वैसे भी सल्लू भाई कंधे में थोड़ी ना बैठाते हो, तो चार कंधे जी हाँ, दिल से अमीर होना चाहिए, जिस दिल को देख के लोग तुम्हें और अमीर बनाए। क्या बात है उर्फी जी का स्वागत है, क्या बात है उर्फी जी स्वागत है, क्या बात है, जैसे कि उर्फी जी एयरपोर्ट नहीं तुम्हारे घर आई है चना मुर्रा खाने, क्या बात है, क्या बात है सर। पेप्स की सुबह होते ही इनकी जिंदगी में उथल पुथल मचने लगते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है, हगना मुतना सब छोड़ के एक्ट्रेस की योगा क्लास के बाहर खड़े होकर इंतजार करना, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों का करते स्कूल के बाहर। या तो फिर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर इंतजार करना कि कब कोई सेलिब्रिटी खाना खाने आए, ये लोग उनकी वीडियो बनाए ताकि इनके मालिक के घर में खाना बन पाए। अबे साले कहाँ से पकड़ लेते, कैसे पकड़ लिया, हमारी नजर आप पे ही है। ये लोग अपने घर वालों की इतना स्पॉट नहीं करते या घर वालों की इतनी खबर नहीं रखते जितने कि ये सेलिब्रिटीज की रखते। इन्हें पता रहता है कि कब कौन कहाँ जा रहा, कब कौन कहाँ से आ रहा, कब कौन कहाँ मरा, मतलब मेडिटेशन करने जा रहा है। ये लोग एकदम डिट्टो उनकी परछाई बन के साथ घूमते हैं। इनका तजुर्बा इतना बढ़ गया कि इन्हें तो पास से ही पता चल गया कि हाँ ये फलाने की बात है। बवाल, जानवी कपूर प्लान शेयर ह्यूज सेक्स सेक्स सेक्स, ओ सॉरी, किसी बकचोद ने आई को उल्टा करके लगा दिया था, सेक्सी है, मेरा दिमाग खराब है क्या। और इन पेपराजी के बीच में जब कोई बकचोद कैमरामैन या बैक बेंचर घुस जाए तो फिर कुछ ऐसा होता है। नोरा ले ले, मरना क्या भोसड़ी के, नोरा जी वेट, भाई साहब नोरा है वो रेस का घोड़ा नहीं जो वेट, क्या है ये, चल रही हो ले लेना आराम से, भाग नहीं जाएगी और ना कभी तुम्हारे कैमरे की नजरों से बच पाएगी। नोरा जी फोटो नहीं मिला, सेंटर में ये फोटो नहीं मिला, मैं तू जेब से निकाल के ले, ऐसी कौन सी फोटो निकालते हो भैया जो 50 बार क्लिक करने के बाद भी नहीं मिलती है, सो गया बचपन से। कमाल की नोरा तक 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 तकड़ तक तकड़ धिन धमाल की नोरा। इन पेपर राजी के मुंह से तुम बहुत ही गिने चुने शब्द सुनोगे, या तो एक्ट्रेस के नाम के पीछे जी,
या तो मैम पीछे 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 पीछे, मैम सेंटर में सेंटर में सेंटर में, मैम थोड़ा इधर से, मैम थोड़ा उधर से, मैम थोड़ा ऊपर से, मैम थोड़ा नीचे से। मैम से तुम फोटो मांगते हो या मैम से? मलाइका अरोरा स्पॉटेड इन बांद्रा फॉर वॉक। ओहो, क्या सोच है रे तेरी, ऐसा जैसे कि मलाइका पहली बार चलने आई है, लाइफ में आखिरी बार चल रही है, उसके बाद वो कभी नहीं चलेगी, जिस तरह से तुम दर्शाते, मेरे को नहीं लगता मेरी जान तुम थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हो। एक्सक्लूसिव, मलाइका अरोरा स्पॉटेड आउटसाइड दिवा योगा इन बांद्रा। एक्सक्लूसिव तो होना ही था, क्योंकि मलाइका भी उस दिन तुमसे तरस था कि ये भूल चुकी थी कि इंसान कैसे चलते हैं, इसलिए उसने जानबूझ के तुमको बतख के जैसे चल के दिखाया, और तुमने उसके इस चलने के स्टाइल को डक वॉल का नाम दे दिया। पेपराजी को बस कोई सेलिब्रिटी कुछ खाते दिख जाए। हेलो हेलो सर, क्या खा रहे हो? चिप्स खा रहा हूँ भाई। कैसा लग रहा है सर? चिप्स जैसा। सर चिप्स तो चिप्स जैसा ही लगेगा। आप भी कमाल करते, जब पता तो क्यों पूछो झांट। सर पब्लिक तो चूतिया, उसको तो बताना पड़ता है। पब्लिक चूतिया नहीं, तुम पब्लिक को चूतिया बनाते हो। ओके, डैश फॉर टुडे, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत दिन बाद आया हूँ, तो तुम भी इस वीडियो को बहुत प्यार दिखाओ। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक करो इंतजार इस वीडियो को, दो अपना प्यार, लाल वाला खासकर दबा देना, लाइक का भी। और एक बात 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 भूल गया था बोलना, किसी को हेट नहीं है, सबको अपना काम है, उनका भी और हमारा भी, तुम बस मजे लो।